तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास तक हमने अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था गुडविल। और बहुत अच्छे से हमने इसको कंप्लीट किया हुआ है, सारे कंसेप्ट भी हमने क्लियर करे हैं, और सारा जितना भी प्रैक्टिकल पार्ट था, दैट मीन्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए और बहुत अच्छे से कम्प्लीट कर लिए हैं। जी सर नो, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, यूं तो आपकी बुक में जो चैप्टर होगा प्यारे बच्चों, उस चैप्टर का नाम होगा आई थिंक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। लेकिन उसको हम थोड़ा रुक कर करेंगे, आई मीन टू से हम पहले एडमिशन करेंगे। आपकी बुक में एक चैप्टर का नाम, आपकी बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, राइट स्टूडेंट? कौन सा चैप्टर नंबर है आपकी बुक में भाई, बताओगे? ठीक है, पांचवा चैप्टर का नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर के हिसाब से पांचवा है, आप मैच कर लेंगे। चैप्टर नंबर 5th है, नंबर के हिसाब से चले तो। और वैसे नाम ज्यादा मैटर करता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, आपने अब तक कुछ सीखा या नहीं सीखा उसको भूल जाइए, किसी और से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आप उसको भूल जाइए। आज से जो भी हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो कंटिन्यूटी फॉर्म में होगी, और जो भी मैं आपको बताऊंगा आपको वो बहुत अच्छे से सीखना है, आई मीन टू से उस पर फोकस करना है। और जो आपको HW मिलेगा, जो भी आपको मतलब ये मिलता है कि आपको ये करके लेकर आना है, दैट मीन्स करके ही लेकर आना है, आपको करना है। इस बात का ध्यान रखिए, अकाउंट में कभी भी कोई भी चैप्टर अगर आप होमवर्क नहीं करते या फॉलोअप नहीं करते अपने टीचर्स को, कि जो टीचर्स ने कहा है करके आने के लिए वो नहीं करते हैं, तो मेरी बात को ध्यान रखना आप जीवन में, कि आप अकाउंट्स नहीं निकाल पाओगे, ये गारंटी है मेरी, ओपन चैलेंज है। अगर आप सोचते हैं डायरेक्ट ट्यूशन में, डायरेक्ट स्कूल में, या बहुत है ना स्कूल और ट्यूशन से ही आपका अकाउंट निकल जाएगा, घर पे आप बिल्कुल कुछ भी ना करें, तो आप पाओगे अपने आप को 1-2 महीने बाद कि आप सब कुछ भूल चुके हो। इवन आप देख भी चुके होंगे, क्योंकि अब आपका जो सेशन है रनिंग में है और इसको 1-2 महीने बीत भी चुके हैं, आप देख सकते हैं। अगर चैप्टर 1 नंबर 1 की बात करें फंडामेंटल की, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से भी किया है, स्टिल आप थोड़ा सा उसको भूल चुके होंगे। भूल क्यों चुके होंगे? क्योंकि अकाउंट जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपसे प्रैक्टिस मांगता है। तो उम्मीद मैं यही करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप उस उम्मीद को पूरा करेंगे, और आप अपना चैप्टर का कोई भी चैप्टर हुआ आपका, तो आप उसको क्या करते रहेंगे प्यारे बच्चों, रिविजन करते रहेंगे। खुद से रिविजन करना बहुत मस्त है अकाउंट पे, क्या रखना मेरी बात को। तो बेटा जैसे चैप्टर का नाम है एडमिशन, हाँ है ना, एडमिशन किसका, ऑफ अ पार्टनर, ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ पर फोकस करेंगे, पहले हम नाम से स्टार्ट कर लेते हैं अपने जितने भी हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं, तो हम नाम से ही स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक चीज। जैसे नाम से पता चल रहा है प्यारे बच्चों, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब भला कौन ऐसा बच्चा होगा जिसको एडमिशन का मीनिंग ना पता हो, है ना? वैसे सबको पता है एडमिशन का मीनिंग, तो वही सेंस बिल्कुल यहाँ पर है। लेकिन क्या बच्चे के एडमिशन की तरह पार्टनर का भी एडमिशन होता है? लगभग लगभग ऐसे ही होता है, सिर्फ वो एजुकेशन के लिए जाता है तो उसके एजुकेशन के लिए नॉर्म्स भरवाए जाते हैं, ये पार्टनर बन के आ रहा है तो उसको पार्टनर्स के नॉर्म्स भरे जाएंगे, हाँ या ना? पर समझ में नहीं बात भाई, आप किसी जगह एडमिशन लेने जा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपको सर्विस चाहिए, वहां पे आपको एडमिशन चाहिए, है ना, एडमिशन चाहिए आपको। अब भाई आप सपोज करो आपका ये स्कूल है, ठीक है, आपका ये स्कूल है और आप यहाँ पर जाते हैं एडमिशन के लिए, राइट? आप यहाँ पे गए एडमिशन के लिए, गए तो एडमिशन जाने के लिए आप कुछ बातों को ध्यान से देखोगे। अगर आप इस स्कूल में जा रहे हैं एडमिशन के लिए, तो आप यहाँ पर देखोगे एजुकेशन कैसी है, क्योंकि यहाँ आप क्या लेने जा रहे हो, आप एक सर्विस लेने जा रहे हो, राइट? स्कूल क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइडर है, क्या करा रहा है, सर्विस एजुकेशन की, पढ़ाई करवा रहा है आपसे। तो आप यहाँ पर एजुकेशन देखोगे, है ना, आप स्कूल की बिल्डिंग देख सकते हो, यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, स्कूल का स्ट्रक्चर देख सकते हो आप कैसा है ना, दैट मीन्स फर्नीचर वगैरह, प्लेग्राउंड कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टी कैसी है, आप ये सभी तो चीज देखोगे, हाँ या ना? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो, और जो चीज आपको लेने जा रहे हो आप वो चीजें देखोगे, हाँ या ना? अच्छा, ये स्कूल क्या देखेगा आपके अंदर, ये स्कूल भी आपसे, आपने देखा होगा तो स्किल टेस्ट कराएगा आपसे, है ना, स्किल टेस्ट कराऊ सॉरी एक आपसे छोटा सा टेस्ट कराएगा
जिसके बेस पे, जिसके बिहाफ पर ही आपको एडमिशन देगा, हाँ या ना? तो इस तरीके का प्रोसीजर होता है आपके स्कूल के एडमिशन में। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, देखो भाई थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल लोगे आप तो आप सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा इजी एग्जाम्पल से। भाई हमारा ये एक पार्टनरशिप है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक पार्टनर है, ठीक है, एक आदमी है पार्टनर तो बाद में बनेगा, एक पार्टनर है जिसका नाम है भोलू, ठीक है ना, प्यारा सा नाम है भोलू, ठीक है। तो ये भोलू जो है ये चाहता है आप, ये आपका फिट बिजनेस है। लेट अस सपोज यहाँ पे दो नाम है, ठीक है, दो पार्टनर है, आई मीन टू से दो नाम से मेरा मतलब है, यहाँ हम दो नाम दे देते हैं, ये दो पार्टनर हैं, जिन एक का नाम है डोलू, ढोलू है ना, और एक का नाम है भोलू, बोलो ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ हो क्या रहा है, जो आपके ढोलू है और ये भोलू है, ये इस पार्टनरशिप के एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के ऑलरेडी पार्टनर है, लेकिन जो भोलू है ये चाहता है कि मैं इस बिजनेस में, कौन से बिजनेस में जी, इस बिजनेस में, इसका नाम ले लेते हैं, है ना, चलो छोड़ो नाम में क्या रखा, एग्जाम्पल बड़ा चला जाएगा। ये पार्टनर जो है प्यारे बच्चों, ये जो भोलू है, ये भोलू चाहता है इसमें एडमिशन लेना, एडमिशन से मतलब है ये भी इन्हीं की कतार में आके खड़ा होना चाहता है, ये भी चाहता है कि मैं भी इस पार्टनर, इस फॉर्म का क्या बन जाऊं, पार्टनर बन जाऊं, ठीक है ना, मैं यहाँ जाके खड़ा हो जाऊं, ये ऐसा चाहता है। तो ऐसा चाहने के लिए आप सोच सकते हो ये क्या चीजें चेक करेगा, भैया तो ये थोड़ी देखेगा यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई कैसी है, स्कूल थोड़ी ना है, ये तो पार्टनर बनने जा रहा है, अब ये थोड़ी देखेगा, ये क्या देखेगा, इनका प्रॉफिट कैसा है, हाँ या ना, इनका प्रॉफिट कैसा है, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तभी तो इंटरेस्टेड होगा, नहीं होगा ये बताओ मुझे, हाँ या ना, ये तभी तो एडमिट होना चाहेगा। अगर ये इनका यस इस फॉर्म का, अगर इस फॉर्म का प्रॉफिट अच्छा होगा तभी तो एडमिट होना चाहेगा, ये लॉस में भी एडमिट होना चाहेगा। सपोज करो पिछले, ये फॉर्म जो है पिछले 5 सालों से लगातार लॉस कमाती आ रही है, तो बताओ क्या भोलू इंटरेस्टेड होगा? नो सर नहीं सर, भाई से पता है कल को तुम एडमिट हो जाएगा तो तुझे भी लॉस बियर करना पड़ेगा, तो क्यों एडमिट होगा, राइट? तो ऐसे ही कुछ चीजें देखता है। वेल, माइक बंद कर लो, आगे चलते हैं। तो अब अच्छा, अभी इसने कहा कि ठीक है जी मैं आपके फॉर्म में एडमिट होना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये फॉर्म भी इसके अंदर कुछ देखना चाहेगी, नहीं देखना चाहेगी, बिल्कुल देखेगी, ये भी कुछ नॉर्म, एक तो ये देख लेंगे लीगल पर्सन है ना, कोई केस ना चल रहा हो उस पर, ठीक है, लीगल पर्सन है, कोई इसने गैर कानूनी काम ना करो, पहले कोई इस पर मुकदमा ना चल रहा हो, कोई केस ना चल रहा हो इस पर, और जितनी भी शर्तें हैं वो पूरी करता हो, है ना, जो इन्हें कैपिटल चाहिए, देखो एक बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए कैपिटल तो आप, क्योंकि आप 12th हो तो आपको 11th का तो पता ही है कैपिटल कितनी मस्ट है ना, 11th में कैपिटल का फंडा बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, तो भैया कैपिटल भी चाहिएगी, हाँ या ना, और एक्सेट्रा, है ना, वो सारी चीजें को ये देख लेते हैं। वेल, जब इन्होंने सब कुछ देख लिया, अच्छा ये पेपर में नहीं पूछे जाने की जो मैं आपको बता रहा, सिर्फ एक इंटरेस्ट डेवलप करने की वजह से बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनते रहे ना और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे थोड़े से ज्यादा और भी अच्छे से। चलिए हम मान लेते हैं सब कुछ शर्तें पूरी होगी, इन्होंने भी चेक कर लिया, ठीक है ना, इन्होंने भी कह दिया ठीक है भाई तो हमारे फॉर्म में आ जा, और ये राजी है, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं दोनों, कौन कौन, ढोलू और घोलू, ये दोनों कह रहे हैं किसको, भोलू को, कि ठीक है भाई हमने तुम्हारा सब कुछ चेक कर लिया स्टेटस, अब तुम एक काम करो बिना देर लगाए, है ना, जल्दी से जल्दी हमारा बिजनेस को क्या कर लो भाई, ज्वाइन कर लो, क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कर लो, ज्वाइन कर लीजिए। इस ज्वाइन करने से होगा क्या कि भाई इनके पास क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी, है ना, क्या बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों, कैपिटल बढ़ जाएगी, एक वर्क लेबर बढ़ जाएगी इनके पास। भाई ये जो पार्टनर आएगा बोलू तो पैसे भी तो लेकर आएगा, नहीं लेकर आएगा एज ए कैपिटल, अच्छा वर्क लेबर से सर मतलब है पहले काम करने वाले दो थे, अब एक और आ गया, कोई सुनो ना, एक से भले दो और दो से भले तीन, तो बस इनका फायदा हो जाएगा, तो ये इसको इन शर्तों पे एडमिट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा भोलू का क्या फायदा है, भोलू का ये फायदा है जो प्रॉफिट होगा, जो कल को प्रॉफिट होगा बिजनेस का, जो कल को प्रॉफिट होगा ये इसका हकदार हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, इस प्रॉफिट में से अब तक कितने टुकड़े होते थे प्यारे बच्चों, अब तक होते थे दो टुकड़े, हाँ जी बिल्कुल सही, अब तक होते थे दो टुकड़े, लेकिन अब कितने टुकड़े होने वाले हैं, तीन, तीन तीन टुकड़े, बिल्कुल सही बात। अब हुआ क्या, अब कहानी को सुनते हैं, मजा आएगा।
अब हुआ क्या कि ठीक है ये एडमिट हो गया, माइक बंद कर लीजिए, जब मैं कहूंगा ना तो तभी माइक ओपन करो, अपना जवाब दो, और देन अगेन बिना कहे माइक बंद कर लिया करो। इस चीज को अपने आदत में डालिए, हैबिट में, मैं बार बार नहीं कहूंगा आपको, ठीक है? चलिए, तो प्यारे बच्चों हुआ क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो प्रॉफिट हुआ है इस फॉर्म को, ये आपका जो पार्टनर था भाई, एक तो ढोलू था हमारा, है ना, एक तो ढोलू था और एक घोलू था, ठीक है? तो ये जो दोनों पार्टनर थे अब तक इनमें बढ़ जाता था, लेकिन इस बार क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने एडमिट कर लिया था क्या नाम था उसका जी, हमारा भोलू, तो भोलू को इन्होंने क्या कर लिया था, एडमिट कर लिया था, पक्की बात है। अब जो ये प्रॉफिट हो रहा है, मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, सपोज करो 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। कहानी को इमेजिन करना और कहानी को सोच कर देखना, बात सही है गलत है, और सही है तो कितनी सही है ना, तो कोशिश करते रहना, ध्यान से समझते रहना। हाँ जी बेटा, तो मैं आपको बता रहा था ये ढोलू है और जो ये घोलू है, ये इस प्रॉफिट को अब तक बांट लेते थे, लेकिन क्योंकि अब इस बार हमारा पास एक पार्टनर आ गया जिसका क्या नाम है, भोलू, अब इसे भी तो देना पड़ेगा ना, तो जब इसको देना पड़ेगा तो ये कहाँ से देंगे, कोई घर से लाकर थोड़ी देंगे भाई, बताओ भाई, ये जो घोलू है, ढोलू है, ये जो घोलू है, ये अपने घर से लाकर थोड़ी देंगे, इसी में से तो देने वाले ना, इसी हिस्से में से जो ये प्रॉफिट कमाया है इसी में से कुछ हिस्सा इसको दे देंगे, पक्की बात है, नहीं बोलो भाई, हाँ या ना? यस सर, तो इससे क्या पता चलता है, इससे बात से ये पता चलता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो जो पुराना पार्टनरशिप में जो भी अग्रीमेंट था, जो भी पुराना एग्रीमेंट था, वो टूट जाएगा। मतलब सर समझ में आई बात, तो लॉजिक समझ लेते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। मैंने कहा अब तक सपोज करो हमारे पास दो पार्टनर थे जिनका नाम एक का ढोलू और दूसरे का घोलू था, बोलो ये दोनों है ना, ये दोनों प्रॉफिट बांट लेते सपोज करो इक्वली। आपने अब तो चैप्टर नंबर वन कर लिया तो आप इन बातों को समझते हैं, दैट्स व्हाई मैं कहता था कि चैप्टर नंबर वन इज अ मस्ट। तो इन्होंने दोनों ने प्रॉफिट को कितना बांट लिया, इक्वली बांट लेते थे सपोज करो, इक्वली बांट लेते थे, और इनका अभी सपोज करो इस पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री नहीं हुई, किसकी नहीं एंट्री हुई प्यारे बच्चे, इसमें अभी एंट्री नहीं हुई है हमारे थर्ड पार्टनर की जिसका क्या नाम है भोलू, ठीक है ना, हमने इसकी एंट्री अभी नहीं करी है। तो मुझे बताओ अगर एंट्री नहीं है तो ये दोनों इस प्रॉफिट को कितना कितना बांट लेंगे, सर इक्वल बिल्कुल सही है, दैट मीन्स 25,000 रुपये ये ले लेगा और 25,000 रुपये ये ले लेगा, हाँ या पच्चीस ना, हजार बताओ, ये ले लो। यस पक्की सर बात है, तो बस खत्म हो जाती थी बात। लेकिन क्योंकि क्योंकि अब ये ऐसी सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन तो ये है अब, इसमें एक और जुड़ गया। बिल्कुल सही बात है, इसमें एक और जुड़ गया जिसका नाम है हमारा घोलो, और यहाँ पर प्रॉफिट 50 नहीं हुआ इस बार, 1,20,000 रुपये हुआ है। तो अगर आप दिमाग पे जोर पे डाल के देखोगे, थोड़ा सा भी दिमाग पर जोर डालोगे, तो अगर अभी तक होती कहानी तो 60,000-60,000 रुपये बांट लेते थे, हाँ या ना, लेकिन इस बार से ऐसा नहीं होगा, इस बार से ऐसा नहीं होगा, ये किसको जाएगा हिस्सा, कुछ भोलू को भी जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब इतनी बात को घुमा के लंबा चौड़ा करके आपके दिमाग में बात सेट करने की है कि अभी तक क्या करते आ रहे थे हमें उससे मतलब नहीं है, है ना, अभी तक ये क्या करते आ रहे थे हमें उससे मतलब रहा ही नहीं अब, क्योंकि अब तो किसको भी देना पड़ेगा, नए पार्टनर को देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कंसेप्ट एक लाइन बनी, जब जब नया पार्टनर एडमिट होगा, जब जब नया पार्टनर एडमिट होगा, हालांकि आगे कंसेप्ट है कि जब जब नया पार्टनर, तो कोई पुराना पार्टनर जाएगा या कोई पार्टनर की डेथ हो जाएगी, लेकिन अभी वो चैप्टर जब आएंगे तब बता दूंगा, फिलहाल आप नहीं सीखिए बस, कि जब जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो जो पुराना अग्रीमेंट था, जो पुराना अग्रीमेंट था, वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, अब नया एग्रीमेंट बनेगा। क्या ये बात समझ में आ चुकी है या नहीं? यस सर, हाँ जी सर, है ना, कॉन्सेप्टुअली बता दिया, वैसे मैं इसको शुरुआत में एक लाइन में बता देता और बात खत्म कर सकता था, लेकिन आने वाले कॉन्सेप्ट में बार बार इन तीनों को लूंगा, ढोलू भोलू गोलू को, और आपको बार बार नए नए कॉन्सेप्ट सिखाता चलूंगा।
तो इस बात से कंसेप्चुअली मुझे पता चला क्यों अग्रीमेंट बदलेगा, क्योंकि इसलिए बदलेगा क्योंकि एक नया पार्टनर आ गया, तो भाई उसको भी तो अब नया नया मतलब इसको एग्रीमेंट कैसे मान के चलिए, जो शेयरिंग रेशो था, जो शेयरिंग रेशो था वो बदल जाएगा। अब तक तुम कितना बांटते थे हमें नहीं पता जी, अब तो आपको किसको देना पड़ेगा अपना हिस्सा, आप लोग अपना हिस्सा भोलू को भी क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, देना ही पड़ेगा, हाँ या ना। तो इसलिए एग्रीमेंट बदल जाता है। तो इसी को टेक्निकल वर्ड में, इसी को टेक्निकल भाषा में यानी कि बिजनेस की भाषा में हम इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, यानी कि जब जब नया पार्टनर आता है बिजनेस में तो फर्म का क्या हो जाता है, क्या बोल लोगे आप? रिकंस्टिट्यूशन। क्या सुन रहे आप यस बोलो? सर। ठीक है, तो आप याद रखोगे इस बात को कि जब जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में आ जाएगा तब उस टाइम पर बिजनेस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रिकंस्टिट्यूशन। याद रखोगे इस बात को? अच्छा सर, रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग क्या हो गया? रिकंस्टिट्यूशन का मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आपने स्टार्टिंग में यानी कि चैप्टर नंबर 1 में फंडामेंटल में एक चीज पढ़ी थी, पार्टनरशिप डीड। क्या किसी के याद है? क्या किसी की याद है भाई? पार्टनरशिप यस डीड सर। पढ़ा है। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड? नहीं याद आ रहा, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। हाँ जी बेटा, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। मैंने आपको क्या बताया था? पार्टनरशिप डीड, यस और नो तो कर दिया करो डियर। पार्टनरशिप डीड मैंने आपको क्या बताया था चैप्टर 1 में, कि बेसिकली एक कागज का पत्र है जिसमें क्या लिखी हुई है, शर्तें लिखी हुई हैं। आवाज आ रही है मेरी? जिसमें क्या लिखी हुई है प्यारे बच्चों? शर्तें लिखी हुई हैं, दैट मीन्स कंडीशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कंडीशन लिखी हुई है कि जो भी पार्टनर है, सपोज करो उस टाइम पे 2 पार्टनर हैं, तो इन दोनों पार्टनर के नाम क्या होंगे, इनका बिजनेस किस नेचर का होगा, ये प्रॉफिट किस रेशो में बटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डूइंग चार्ज होगा या नहीं होगा, होगा तो किस रेट पे होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, याद है? तो ये सब कुछ डिपेंड किस चीज पे करता था? पार्टनरशिप डीड पे। इसको बोलते थे पार्टनरशिप, चलो शॉर्टकट में बोल देते हैं इसको, क्या बोलते थे प्यारे बच्चों? डीड। ठीक है ना? डीड तो हाँ जी बिल्कुल सही, डीड सर। बोलते थे इसको। तो मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकंस्टिट्यूशन। सर रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग, वो बात तो सुनना आ गई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सॉरी मुझसे स्पेलिंग गलत ले गई है शायद, एक सेकेंड में मैं स्पेलिंग ले गई, रिकंस्टिट्यूशन। अब ठीक है, और बोलते हुए ना गलत लिखी जा रही बार बार। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का। तो रिकंस्टिट्यूशन का हालांकि मैंने आपको मीनिंग बता दिया, लेकिन अब और ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके कि रिकंस्टिट्यूशन का मतलब था कि सर जो पुराना पार्टनरशिप डीड थी ना, ये डीड जो थी ये अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कट जाएगी, इस पे क्या फाड़ कर फेंक देंगे, ऐसा समझ लीजिए मीनिंग इसका। क्या करेंगे सर फिर इसका? सर ये काम करेंगे प्यारे बच्चे, एक नया पार्टनरशिप डीड बन दो बाद, ये क्या बनेगी? नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, नई शर्तें लिखी जाएंगी, सारी बातें दोबारा से रिकॉल की जाएंगी, रीएडजस्ट की जाएंगी, जो भी है ना। तो इसको ही बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। तो आप समझ में आया टेक्निकल वर्ड का मतलब, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब? अभी तक हमारे पार्टनरशिप फर्म को 2 पार्टनर चला रहे थे,
तो उनकी एक अपनी पार्टनरशिप डेट थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक नया पार्टनर आ गया प्यारा सा, जिसका नाम था हमारा भोलू, तो इसके आने की वजह से एक नई पार्टनरशिप डीड बन गई। क्यों बन गई सर? क्योंकि प्यारे बच्चों इसके अंदर अब तीन पार्टनर हैं, तो तीनों की शर्तें होंगी नहीं होंगी बताओ? यस सर। दैट्स वाई इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग ये कतई भी नहीं है कि जो आपका बिजनेस था वो बंद हो जाएगा पहले वाला और नया बिजनेस होगा, नहीं, सिर्फ कागज नए बनेंगे, है ना, फर्म का नाम भी नया हो सकता है मे बी अगर वे चाहें तो, लेकिन हाँ जो डीड है बस इतना समझ लीजिए आप, जो डीड है वो नहीं बनेगी। यहाँ तक क्लियर है बात बिल्कुल टेक्निकल वर्ड से आपको, कि पार्टनरशिप डीड यस जब भी सर। एडमिशन होता है व्हेन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर द फर्म्स में क्या हो जाएगा, रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। और रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि क्या बन जाएगी, आपकी न्यू डीड बन जाएगी, बस इसको इस तरह से याद रखना, न्यू डीड बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन। वह आगे चलते हैं बात पर और फिर इसको बात को आगे बढ़ाएंगे। अब आ जाओ वहीं पर जहां पर हम थे। मैं आपको बता रहा था प्यारे बच्चों दो पार्टनर थे, लेकिन क्योंकि अभी तक दो पार्टनर थे और दोनों ने फिक्स कर रखा था कि दोनों प्रॉफिट इक्वली बांट लेंगे, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि अब एक नया पार्टनर आ गया, ठीक है, जिसका नाम है भोलू, ठीक है नाम है भोलू इसका, लेकिन इतना भी भोलू नहीं है कि ये क्या ना ले अपना प्रॉफिट का शेयर ना ले, है ना, इसको भी क्या चाहिए अपना शेयर चाहिएगा। ये कहता है कि भाई मुझे भी प्रॉफिट का हिस्सा दो क्योंकि मैं बिजनेस में आया हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, ठीक है तुम प्रॉफिट का शेयर ले लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, ये जो हमारे नाम थे ढोलू और घोलू, क्या इन्हें ही अपने प्रॉफिट में सब कुछ हिस्सा इसको देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, ये बता दो, हाँ या ना, यस और नो कर दो बस भाई, इन्हें यस इन्हें तो देना पड़ेगा ना, जो भी प्रॉफिट होता ये दोनों तो बांट लेते, लेकिन अब इन्हें तो देना पड़ेगा ना, जब इन्हें ही देना पड़ेगा तो इसीलिए एक टर्म्स आती है मेरे प्यारे बच्चों, कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। डीड भी बदल गई, रेशियो भी बदलेंगे, और क्योंकि इनका रेशियो भी बदलेगा क्योंकि ये अपने हिस्से में से देंगे, तो क्या टॉपिक आ गया निकल के हमारा नंबर वन टॉपिक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताओ समझ में आई बात प्यारे बच्चों, इनका रेशियो यस बदल सर, जाएगा नहीं बदल जाएगा, बदल क्योंकि जो पुराने पार्टनर थे अब उन्हें अपना हिस्सा कुछ हिस्सा नए वालों को देना पड़ेगा। तो वहीं से एक टेक्निकल वर्ड और निकल कर आता है कि इसका मतलब इसी न्यू रेशो के टॉपिक में से ही हम एक चैप्टर एक टॉपिक और सीखेंगे, सेक्रीफाइस रेशो, और दूसरा गेनिंग रेशो। चलिए इस बात को समझिए सर, मतलब क्या हुआ, मतलब ये प्यारे बच्चों जैसे मैंने आपको कहा कि पहले दो पार्टनर थे और ये दो पार्टनर जो क्या करते हैं एक तीसरे पार्टनर को अपना हिस्सा कुछ दे देते हैं, इसको तो जो ये देंगे इसको इसको जो अपना हिस्सा देंगे इसको ही बोलते हैं सेक्रीफाइस करना। भाई इंग्लिश मीडियम के बच्चों ये तो समझते होंगे ना सेक्रीफाइस का मीनिंग क्या होता है ना, सर। त्याग कर, हिंदी में बोलते हैं त्याग कर देना, दैट मीन्स ये दोनों पार्टनर क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, अपना कुछ हिस्सा इसको ये फेवर में दे देंगे। तो जब इसे दे देंगे तो ये इसको बोलेंगे इन दोनों ने क्या करा, त्याग करा, दैट मीन्स सेक्रीफाइस करा। तो उसी से हमें एक सेक्रीफाइस रेशो भी निकालना पड़ता है कि इन दोनों ने किस रेशो में सेक्रीफाइस करा, डन। अच्छा जो हमारा नया पार्टनर है क्योंकि उसे बिना कुछ करे मिल रहा है, तो ये इन दोनों से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, एक तरह से गेन कर रहा है, क्या कर रहा है प्यारे बच्चे, एक तरह से गेन कर रहा है। तो इसीलिए उसी टर्म पे गेन क्या, बिल्कुल सही, उसी टर्म पे क्या निकलेगा आपका, एक गेनिंग रेशियो निकलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं अपनी बात को शॉर्ट करते हुए ये कह सकता हूँ कि जब भी एडमिशन होगा तो हमें एक न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, और जो न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों उसके अंदर पहला टॉपिक होगा हमारा सेक्रीफाइस रेशियो और दूसरा टॉपिक होगा गेनिंग रेशियो, मतलब ये भी निकालने पड़ेंगे। गेन हाँ न्यू रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा,
लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा साथ ही साथ सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो भी निकालना पड़ेगा पहले टॉपिक के अंदर। ये दो टॉपिक भी साथ साथ में हम सीख लेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा, मैं आपको बता दूं, जो दूसरा टॉपिक होगा प्यारे बच्चे वो होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। अब इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं, इसके अंदर दो टॉपिक आते हैं प्यारे बच्चे इस चैप्टर के अंदर। पहला टॉपिक आता है इसके अंदर हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और दूसरा आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ये क्या है सर? देखो ट्रीटमेंट कैलकुलेशन तो आपने सीख ली ना चैप्टर नंबर दो में निकालनी, हाउ टू फाइंड आउट द गुडविल। क्यों भाई, सीखा हुआ है? तो ये तो हमने सीखा हुआ है। कौन से चैप्टर नंबर टू में, टू या थ्री जो भी आपकी बुक में होगा, थ्री होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये जो नया टॉपिक है ये हम सीखेंगे, ये इसी क्लास में, आई एम सॉरी इसी क्लास में कह रहा, इसी चैप्टर में हम सीखेंगे, ये इस चैप्टर का ही काम है। डन जी, ये हमें सीखना, ये हमें सीखना पड़ेगा क्योंकि इस टॉपिक का काम है। चलिए जी करते हैं बात इस चीज की कि हमें पहला टॉपिक तो समझ आ गया क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, ये नहीं सीखा, सीखेंगे उसको भी। गुडविल की बात कर लेते हैं, गुडविल कहाँ से आ गई इस चैप्टर में सर, जब हम कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस चीज को ऐसे समझिए, देखो प्यारे बच्चों जैसे अभी आपने एक बात सीखी है, ये बात आज ही बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने अभी एक बात सीख ली कि भाई ये हमारे दो पार्टनर थे, ठीक है, ये दो पार्टनर थे हमारे, ठीक है जी, ये दो पार्टनर थे और बहुत दिनों से क्या करते आ रहे थे, बिजनेस करते आ रहे थे, हाँ है ना। इन्होंने सपोज करो बेटा 2010 में बिजनेस स्टार्ट किया, 2010 में इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, ये बिजनेस स्टार्ट किया था। अगर आप थोड़े से भी प्रैक्टिकल हो, थोड़े से बात को जानते हो, तो आपको इस बात का पता होगा प्यारे बच्चों कि भी आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको पहले दिन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू नहीं हो जाता। प्रॉफिट बिजनेस को बढ़ाने के लिए समय लगता है, शुरुआत में हो सकता है लॉस भी हो जाए, हो सकता है नो लॉस नो प्रॉफिट हो, या हो सकता है धीरे 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 आपका प्रॉफिट इंक्रीज इंक्रीज होता चला जाए, हाँ या ना, बताओ मेरी बात को समझ में आई। अगर इन्होंने 2010 में कमाया और आज 2022 है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात होते हैं, जितना 2022 में प्रॉफिट, अगर मैं मानता हूँ अच्छा बिजनेस है, ग्रोथिंग बिजनेस है जिसकी ग्रोथ होती रहती है, मैं एक ऐसा बिजनेस मान के चल रहा हूँ, ठीक है, इसकी ग्रोथ क्या है, मैं ये मान के चल रहा हूँ एक बिजनेस है जिसकी ग्रोथ होती रहती है, ठीक है ना। तो आपको ये तो बात मान के चलोगे कि 2022 का प्रॉफिट बड़ा होगा तो 2010 का छोटा सा प्रॉफिट होगा, बताओ हाँ या ना, इस बात से तो सहमत होंगे ना सभी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों ने बिचारों ने कहने मतलब हमारी देसी भाषा में कह रहे हैं कि भाई इन्होंने अच्छे बुरे दिन देखे इस बिजनेस में, क्योंकि 2010 से जुड़े हुए थे क्योंकि स्टार्ट ही इन्होंने किया था, और 2022 तक आते आते इन्होंने हर तरह का दिन देखा, सूखा गिल्ला है ना, कभी लॉस हुआ कभी प्रॉफिट हुआ कभी प्रॉफिट कम हुआ, ठीक है, कभी दिन रात मेहनत करी नाम कमाया, शुरुआत में लोगों की गाली सुनी है ना, सब तरह से इन्होंने ट्रीट करा। अभी हमने एक बात देखी सर, आपने एक एडमिशन में चीज सिखाई कि हमारे नाम से है इसका, और क्या नाम है हमारा इसका, भोलू, नाम से तो भोलू लग रहा, लेकिन ध्यान से देखा आपने ये कब आके खड़ा हुआ इनके पास, ये आके खड़ा हुआ इनके पास 2022 में, कब आके खड़ा हुआ प्यारे बच्चों, 2022 में आके खड़ा हुआ, और कह रहा मुझे भी पार्टनर बना लो, मुझे भी क्या बना लो, पार्टनर बना लो, और जो भी तुम्हें प्रॉफिट होगा और मुझे उसका हिस्सा दे दो। अब आप स्क्रीन पर इतना तो देख ही पा रहे होंगे कि 2022 में तो इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा, अब ये इसमें से अगर कुछ हिस्सा भी लेगा तो इससे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला। देखो अगर इतना भी हिस्सा ले ले लाल कलर में जितना आपको ये दिखाई दे रहा है, तो भाई इतना तो 2010 में इन दोनों को भी नहीं हुआ था, तो ये तो बहुत उस्ताद है, आज आया और आज ही आगे कहने लगे लाओ जी मुझे प्रॉफिट दे दो, इतना सारा प्रॉफिट दे दो मुझे भी, तो देखा जाएगा तो सब लोग ऐसे ही करना शुरू हो जाएंगे, इसी की तो कोई मेहनत नहीं लगी ना, इसने इस लॉस को बियर करा
ना इसने इतनी मेहनत करी आज तक पूरी जर्नी में, माइक बंद कर लूं, तो क्या हुआ बेसिकली, हुआ ये कि इसका तो प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा बहुत बड़े पार्ट में, तो इन दोनों को लगा ये तो गलत हो जाएगा हमारे साथ ही, तो आया कल का आया छोरा आज हमारे प्रॉफिट में बराबरी की हिस्सेदारी मांगने लग गया, तो ये कैसे बात हो जाएगी जी। तो इसी का सॉल्यूशन करने के लिए हमने एक चीज का जनरेशन किया, क्या बेटा, गुडविल का। ये अच्छा, सारा प्रॉफिट, इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों कमा पा रहे, चैप्टर खत्म करा ना मैंने अभी, क्या सिखाया था मैंने आपको, गुडविल जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी क्या होगी, सेल्स होगी, और सेल्स जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये जो इतना सारा ओके प्रॉफिट हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है बताओ मुझे, इतना सारा प्रॉफिट जो हो रहा है वो किस चीज की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि इनकी बाजार में गुडविल गुडविल की अच्छी वजह है। से। वेरी गुड, अब गुडविल को हमने मनी टर्म में निकालना तो सीख ही लिया, तो ये दोनों क्या कहेंगे, ढोलू और घोलू, ये कहेंगे भाई प्यारे भोलू तो एक काम तो कर, कैपिटल तो लेकर आएगा ही, ठीक है, कैपिटल तो इसलिए लेकर आएगा क्योंकि तू बिजनेस में पार्टनर बनना चाह रहा, हमने भी कैपिटल लगा रखी, जब 2010 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने भी कैपिटल लगा रखी, और तू पार्टनर बनना तू भी कैपिटल लेकर आ रहा, लेकिन जो 10 साल हमने मेहनत कर रखी है ना, ये 10 साल जो हमने, सॉरी 10 साल कह रहा, 2010 से 2022 तक जो हमने ये मेहनत कर रखी, और जो तू आज इतने सारे प्रॉफिट में हिस्सेदारी मांग रहा, तो तुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा, भोलू बोला बताओ जी क्या। तो भोलू, इन्होंने दोनों ने कहा कि जो हमने गुडविल, हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, और गुडविल कैलकुलेट करके जितने भी हमारे बिजनेस की गुडविल आएगी उसके हिसाब से तू अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा, समझ में आई मेरी बात बच्चे। अगर गुडविल 3 लाख की आई सपोज करो, कितने की आई, 3 लाख की, और इसका हिस्सा है सपोज करो 1/3, तो अपने हिस्से की गुडविल के पैसे भी लेकर आएगा, कितने, यानी कि 1 लाख रुपए भी इसको लेकर आने पड़ेंगे। आई मेरे पास पॉइंट समझ में आया सबके, नहीं आया है बता दो बस मुझे। यस सर, तो मैं ये कह रहा था इन्हों, तो इसलिए पहले तो करेंगे कैलकुलेट, और कैलकुलेट करना मैं नहीं सिखाने का क्योंकि हम सीख चुके ऑलरेडी, राइट, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वो मैं सिखाऊंगा क्योंकि निकालनी तो आती थी, लेकिन निकालते क्यों थे आज इस वाले चैप्टर में सीखेंगे, और गुडविल क्यों निकालते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया, ये कोई नहीं बताएगा आपको बात, ये वाली बात नहीं हर टीचर बताएगा, बस कहेगा कि गुडविल का ट्रीटमेंट है और सीधा ऐसे ऐसे एंट्री डाल दो फटाफट सिखा देंगे। तो मैंने आपको बताया गुडविल कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा बता ही दिया, जब नया पार्टनर आता है तो नई, जो भी प्रॉफिट होता है उसमें अपनी शेयर वो मान लेता है, दावेदारी हिस्सेदारी, तो उसे कहते हैं जो मेहनत हिडन है, जो हमने अब तक मेहनत करी उसके बदले तुम गुडविल लेकर आ रहा हो, और वो पुरानी जो गुडविल लेकर आएगा उस पर हिस्सा किसका होगा, पुराने पार्टनर्स का। तो आई उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में अपने प्रॉब्लम्स को पूछ लेंगे, आज स्टार्टअप का किया था डेमो क्लास भी, इसलिए थोड़ी सी बेसिक चीजें ज्यादा बताई हैं, कल से और पार्ट है और ज्यादा चीजें डेप्थ में चल जाएंगी।